अपने राज्य का, देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि जो भी अच्छा काम करता है उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, उसे एक, जैसे मराठी में हमारी एक कहावत है, पाटीवर शाबासकीची थाप मिळाल्यानंतर आणखी काम चांगले करतात लोक, और अच्छा कार्य करते हैं और उनसे और लोग भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ही जैसे हमारे डीसीएम साहब ने कहा कि इस बार का तो अवार्ड आपका घोषित हो गया है, लेकिन हमारे बारे में अगले साल सोचिए जरूर, क्योंकि हम लोग भी कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में हम दोनों ने और हमारे सहयोगी जो सब है उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, अच्छे निर्णय लिए हुए हैं, जो कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण इस राज्य के विकास के काफी निर्णय लिए हैं। मजे की बात छोड़िए, ऐसे ही कहा है मैंने, महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है, इसलिए हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आगे मुंबई और महाराष्ट्र में गेम चेंजर प्रोजेक्ट का काम शुरू है, स्पीड से हम लोग अभी आने के बाद उसको और गतिमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, जैसे हमारे देवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है, वो जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने एक, उनका सपना था कि मुंबई नागपुर हाईवे बने जैसे मुंबई पुणे बन गया। आज मुंबई पुणे की कितनी अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंस है आप जानते हो, और उसका भी काम जोर से शुरू हुआ। हम लोग मुंबई शिरडी तक जल्दी उसको शुभारंभ भी करना चाहते हैं। ऐसे कई प्रकल्प जो है यहाँ पर शुरू है राज्य सरकार के माध्यम से कम 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रकल्प इस महाराष्ट्र में मुंबई में शुरू है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस राज्य सरकार को पूरी तरह सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया और कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड डेवलपमेंट, इसके लिए इसलिए 2 लाख करोड़ रुपए का भी जो राशि है वो देने का भी निर्णय लिया है। और ऐसा जो है आने वाले सालों में निश्चित रूप से इंफ्रा के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है पूरे होंगे, जैसे मेट्रो भी शुरू होगी। मेट्रो भी हमारे देवेंद्र जी के कार्यकाल में शुरू हुई और कम से कम 340-350 किलोमीटर की जो मेट्रो है अगले 2-3 साल में कंप्लीट होगी। 2 साल में तब मैं कहूंगा कि ये पूरा नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद मुंबई और एमएमआर में लगभग 30 से 40 लाख प्राइवेट कार रास्ते से हट जाएगी, पोल्यूशन कम होगा, समय बचेगा, ये सब है, ये जो है ट्रैफिक कम होगी और ये सब आप इस मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।